हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. सो दिस इज़ द टॉपिक वी हैव डिस्कशन टुडे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एथनॉइक एसिड एज वेल एज द केमिकल रिएक्शन ऑफ एथनॉइक एसिड. सो विदाउट एनी वेट लेट्स लुक. सो इन द प्रॉपर्टीज, इट्स आल्सो नोन एज द एसिडिक एसिड. ओके, किसको? एथनॉइक एसिड को एसिडिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है. प्रिजर्वेटिव के फॉर्म पर यूज़ की जाती हैं, प्रिजर्व करने के लिए, चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, सच एज द पिकल्स लाइक प्रोडक्ट. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथनॉइक एसिड, इट इज़ द 290 केल्विन. ओके, एंड द नेक्स्ट इट इज़ दैट द रिएक्शन, रिएक्शन पे अपन लोग देखेंगे तीन रिएक्शन के बारे में. सबसे पहले बात करेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की, दैट मीन्स एस्टर बनते कैसे हैं, इसके बात करेंगे. नेक्स्ट रिएक्शन बात करेंगे बेस के साथ में रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, और रिएक्शन विद द कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, इसके बारे में अपन लोग देखेंगे. सोडियम कार्बोनेट के बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में अपन लोग कर देंगे. ओके, तो बात करते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की. फर्स्ट से पहले एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन देखिए, सबसे पहले समझिए. इसमें एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पे जो एथनॉइक एसिड, दैट मीन्स CH3COOH, ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, एथेन के साथ में. CH3CH2 एथेन के साथ में रिएक्ट करता है, क्या एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करता है, और ये OH इसके साथ में रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मैं बता देता हूँ क्या मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का. रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि इन दो प्रोडक्टों से यदि सामने वाला प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट से भी ये दोनों सामने वाले आ जाएंगे. जैसे सिंपल एग्जांपल है जी, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, CO2. तो ये भी एक तरीके का रिवर्सिबल रिएक्शन है. यदि CO2 को तोड़ा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जाए तो CO2 में बदल जाते हैं, तो इसको बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, तो यहाँ भी जो मीनिंग है, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कही गई है, वो भी ऐसे ही होना है. तो क्या होगा इसमें एस्टरीफिकेशन में, ये बना लेगा बेटा प्रोडक्ट. मैं इसको, ये वाला प्रोडक्ट को यहाँ नीचे से लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं हुआ. तो ये हो जाएगा CH3, देन कार्बन, देन अगेन कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बाद CH, क्या है इसके बाद CH3, इसके बाद में CH, यह CH2 आएगा, CH2 और ये CH3. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोगों को. और इसके बाद जो है H2O अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, H2O अलग हो जाता है इसमें. आगे ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा. सो दिस इज द एथनॉइक एसिड. एथनॉइक एसिड ये क्या है, एथेनॉल है, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड. ओके, क्या फॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड ईस्टर, दिस इज कॉल्ड वाटर. तो ये रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, ये रिएक्शन क्या होता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, और साथ में इसको सफोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हो. ओके, बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की. दूसरे रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन विद द बेस, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस यदि रिएक्शन करें किसके साथ में, एथनॉइक एसिड के साथ में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसी लोगों को अपन लोगों को देखना है. तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, चलिए दूसरे रिएक्शन भी इसी में समझ लेते हैं आप लोग. दूसरे रिएक्शन भी मैं इसी में समझा देता हूँ आप लोगों को. COOH ईस्टर C2H5, गुड, NaOH, तो NaOH जो है एथनॉइक एसिड, COONA, ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई. एस्टरीफिकेशन में यदि रिवर्सिबल आप देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा C2H5, एक मिनट, इसके रिवर्सिबल रिएक्शन को देख लेते हैं ना. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा देख लेते हैं. मैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे आप लोग लिखेंगे यहाँ CH3COO C2H5, दैट मीन्स ये भी ईस्टर ही है. ओके, ये रिएक्शन करता है यदि C2H5, ठीक है, ये रिएक्स करता है यदि NaOH के साथ में, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा C2H5OH में बदल जाएगा, जो कि हमारा एथेनॉल था, दैट मीन्स दिस वन. ओके, और इसके बाद में क्या, किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा CH3COONA में, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड वॉट, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है बताइए आप लोग, इसको बोला जाता है वॉट,
CH3COONa जो एन सोडियम है वह इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है एक को। ओके, तो रिवर्सिबल रिएक्शन इस तरीके से होती है। अब हमें बात करना है रिएक्शन करवाएं यदि बेस के साथ में तब क्या होगा। तो बेस के साथ में भी रिएक्शन करवाएं तो H2O बनेगा और उसके उसको रिमूव कर देगा। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन विद द बेस, सो लिख दीजिए दूसरा नंबर, रिएक्शन विद बेस। कैसा होना है रिएक्शन विद बेस करवाएं तो सिंपल से, मतलब पहले किसके साथ में रिएक्शन होना है तो ये देख लीजिए CH3COOH दैट इज द एथनॉइक एसिड रिएक्शन करता है यदि किसके साथ में बेटा बेस सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब क्या बनाएगा ये रिएक्शन करेगा और ये फॉर्म करेगा CH3COONa+H2O। यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ एक हाइड्रोजन ये रिमूव होगा और इसके साथ में ये मिल जाएगा। अब देखिए ये दो हाइड्रोजन है दैट मीन्स H2 हो गया और ये O है दैट मीन्स H2O हो गया, इसके जगह पर ये सोडियम आकर के ऐड हो जाएगा तब यह जा करके CH3COOH बना लेगा। ये रिएक्शन होना है इसमें। थर्ड रिएक्शन जो हमारे साथ में कंप्लीट करने को बोला गया है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एक बार हम कर देते हैं सोडियम कार्बोनेट का और दूसरा बार कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे। ओके, दूसरे दोनों में क्या होना है बेटा, Na जुड़ेगा H2 और CO2 मॉलिक्यूल्स बनने हैं। क्या है अपना रिएक्शन, किसके किस्म के बीच में होना है, कार्बोनेट के बीच में होना है और दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में होना है एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में होना है। कैसा होना है देख लीजिए, ये 2CH3 रिएक्शन करता है COOH दैट मीन्स एथनॉइक एसिड, रिएक्शन करेगा किसके साथ में यदि सोडियम कार्बोनेट के साथ में दैट मीन्स दिस वन, इसके साथ में यदि रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा सिंपल से, मतलब पहले इसको बना दीजिए CH3COONa और इसके आगे 2 लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ अच्छे से 2 लगा दीजिए, ये बना लेगा और इसके बाद में जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा H2O plus CO2। आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा हम रिएक्शन करवाएंगे ये सोडियम कार्बोनेट की जगह पर सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस में, तो इसको लिख दीजिए फर्स्ट और दूसरा, इसमें आप लोग करेंगे CH3COOH दैट मीन्स एथनॉइक एसिड, ये रिएक्शन करेगा NaHCO3 के साथ में दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तब क्या देगा बेटा, सिंपल से मतलब यहाँ भी यही होना है, सोडियम आकर किसके साथ में ऐड होगा और ऐड होने के साथ में CO2 बनेगी, इसकी वजह से CO2 बनेगा और उसके बाद में जो है CO2 के साथ H2 जो है बाहर हो जाएगी, H2O जो है बाहर हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं इसको CH3COONa+H2O+CO2, तो ये रिएक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज अपन लोगों ने बच्चे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉइक एसिड को देखा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथनॉइक एसिड में हमने बहुत सारी बातें कही और उसके जो 3 रिएक्शन थे जैसे कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ द बेस और रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें हमने रिएक्शन को 1 by 1 कंप्लीट किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे सोप और डिटर्जेंट की, तब तक खुश रहिए, सलामत रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।